तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि है इनकम टैक्स का जो नया सेक्शन है 194Q। उस एक्ट के तहत अगर हम किसी सेलर को एडवांस पेमेंट अगर हम करते हैं, अगर उसी एडवांस पेमेंट जब हम करेंगे तो कितना TDS डिडक्ट होगा, और उस एडवांस पेमेंट के अगेंस्ट में जो हमारे पास परचेज इनवॉइस हमें जो रिसीव होगा, अब तब हमें उसके कौन सी वैल्यू पर TDS डिडक्ट करना है, और जो हमने एडवांस पेमेंट करी है उसके ऊपर जो TDS हमने डिडक्ट पहले कर दिया था उसको परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट में किस प्रकार एडजस्ट करेंगे, क्या बनेगी इसकी जर्नल एंट्री, क्या बनने वाली है, और इस जर्नल एंट्री के आधार पे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, यानी कि अब आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बताने वाला हूँ कि इसकी एंट्री हमें किस प्रकार करनी होगी प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे कि हमारा जो 26Q है TDS रिटर्न वो भी प्रॉपर एक्यूरेट बने। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी वीडियो प्रैक्टिकली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों दो इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है भी, 1 जुलाई को हमने किसी सेलर को 15 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया है तो हमें उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना है, और उसके बाद में 2 जुलाई को उस सेलर से हमें परचेज इनवॉइस है जो रिसीव हो गया, अमाउंट उसकी 65 लाख रुपए, इसमें GST इंक्लूड है। तो अब हमें दोनों अलग अलग टाइप के वाउचर हो गए, एक पेमेंट वाउचर है, एक हमारा परचेज वाउचर है, तो लेकिन दोनों पे TDS की लाइबिलिटी हमारी बन रही है 194Q एक्ट के तहत। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसकी जर्नल एंट्री को समझना पड़ेगा कि हम एडवांस पेमेंट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी और इसकी परचेज इनवॉइस की एंट्री क्या बनेगी। जब जर्नल एंट्री हमारे माइंड में इसका सेटअप हो जाएगा तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम चलते हैं हमारी जर्नल एंट्री की तरफ। तो दोस्तों जो पहली हमारी जो क्वेश्चन था, जो हमने 15 लाख रुपये एडवांस पेमेंट किया है, अब आप देख रहे हो हमने जो इसकी जर्नल एंट्री बनाई है भी 1 जुलाई डेट है। अब मान लीजिए हमने सुमित एंड कंपनी से गुड्स परचेज किया, ये हमारा सेलर हो गया यानी सप्लायर हो गया, हमने इनको 15 लाख रुपए से डेबिट कर दिया। अब हम यही मान के चल रहे हैं भी इनका जो 50 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया वो 30 जून तक पूरा हो चुका है, अब हमें 1 जुलाई से इनकी हर अमाउंट के ऊपर TDS है जो डिडक्ट करना है। तो हमने सुमित एंड कंपनी को 15 लाख रुपये से डेबिट किया है, और उसके बाद में हमने बैंक से पेमेंट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो अब हमें यहाँ पर जो पेमेंट हम करेंगे बैंक को जो क्रेडिट करेंगे वो 14,98,500 रुपये की अमाउंट से करेंगे, और उसके बाद में 1500 रुपये हमने TDS से जो डिडक्ट कर लिया है, TDS 194Q पेबल, तो ये हमारी लाइबिलिटी अब बन चुकी है, तो हमने इसको 1500 रुपये को क्रेडिट कर दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी जर्नल एंट्री बनने वाली है ये 15 लाख रुपये एडवांस पेमेंट की। अब बात आती है भी उसी अगेंस्ट पेमेंट के अगेंस्ट में हमें 15 लाख रुपये का इनवॉइस रिसीव हो गया। अब इस 15 लाख में से जो हमारी इनवॉइस की जो प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है GST टैक्स से पहले की, तो वो है 55,08,474 रुपये और 58 पैसा। तो अब हमें जो इस जो इनवॉइस की जर्नल एंट्री जो बनेगी वो हम इस तरीके से करेंगे, GST 18% का जो प्रोडक्ट है ये, अब आपके पास आइटम 1 हो सकती है, आइटम 20 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू से मतलब है जर्नल एंट्री बनाते वक्त, तो GST 80% परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है इसकी प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू से, जो कि हमारे पास इस इनवॉइस में आएगी 55,08,000 वाली। अब उसके बाद में जो CGST टैक्स है और SGST टैक्स को भी हम डेबिट करेंगे। अब इसके अंदर हमने करेंगे 2 TDS 194Q पेबल। अब इसमें से हमने जो TDS को डिडक्ट किया वो किया है 4,008 रुपये और 47 पैसे को। अब ये कैसे डिडक्ट किया, ये जो TDS की जो कैलकुलेशन निकल के आई है वो कैसे निकल के आई है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें करना क्या है भी जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, अब परचेज इनवॉइस के अगेंस्ट अगर हम देखें तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू बनेगी ये। तो अब हमने जो इसी इनवॉइस के अगेंस्ट में जो 15 लाख रुपए की एडवांस पेमेंट कर दी थी उसके ऊपर हमने 1500 रुपए का TDS है जो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया है। अब हमें जो अमाउंट हमारे पास बच गई, अब पूरी अमाउंट के ऊपर हमें अब TDS है जो हमारा डिडक्ट नहीं होगा,
क्योंकि अब टीडीएस परचेज भी कर लेंगे, एडवांस पेमेंट भी कर लेंगे, तो ये डबल टीडीएस होता रहेगा। हमें टीडीएस है जो कुल मिला के उनकी जो वैल्यू बनेगी उस पर ही करना है। अब हमने पेमेंट जो करी थी वो एक बार राउंड फिगर में करी थी, हमें एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं था कि हमारे पास जो इनवॉइस आएगा वो कितने अमाउंट का होगा, उसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी और नेट वैल्यू उसका कितना होगा, तो हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं था। हमने इसको एक बार राउंड फिगर के अंदर 15 लाख रुपये का एक तरीके से एडवांस पेमेंट हमने किया है और उसी अगेंस्ट में ये हमारे पास इनवॉइस आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, भाई 1500 रुपये हमने टीडीएस से जो ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया 15 लाख रुपए के ऊपर, अब हमें करना क्या होगा, जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है परचेज इनवॉइस में, उसमें से हमको ये 15 लाख रुपए की जो वैल्यू है जिस पे टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो हमें माइनस करना है। अब वो अगर हम माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो हमारे पास इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू जो बच जाएगी वो बचेगी हमारे पास 40 लाख रुपए की, हमने एडवांस पेमेंट और टैक्सेबल वैल्यू को माइनस करने के बाद में। अब हमारे पास जो परचेज अगर इनवॉइस की अगर हम बात करें तो इस टैक्सेबल के ऊपर के हिसाब से हमारे पास टीडीएस बनना चाहिए था 5508 रुपये और 47 पैसे का। अब इस टोटल मतलब टीडीएस में से हमने 1500 रुपये ऑलरेडी पहले ही डिडक्ट कर लिया है, तो अब पीछे जो डिफरेंस बच गया वो 4008 रुपये और 47 पैसे का बच गया, जो कि अब हमने यहाँ पर इसको लाइबिलिटी में हमारा दिखा दिया है क्रेडिट साइड में। अब उसके बाद में सुमित एंड कंपनी को जो इसकी डिफरेंस अमाउंट जो बच गई उस अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया है। तो ये तो थी हमारी एक बेसिक जनरल एंट्री जिसको हमें एक माइंड में सेटअप करना जरूरी है, अभी इसका टीडीएस हम किस प्रकार से डिडक्ट होने वाला है। तो ये आई होप कि ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, यानी कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कैसे होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने एंट्री कर लिखी है, हम उसको ओपन करेंगे सारे ट्रांजैक्शन को। तो ये है हमारे पास 1 जुलाई वाली पेमेंट जो हमने सुमित एंड कंपनी को करी है 15 लाख रुपए की। अब ये कैसे एंट्री हुई है, एंटर प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर हमने सेलेक्ट किया है और 1 जुलाई डेट है, हमने यहाँ पर SBI बैंक को क्रेडिट किया हुआ है, सुमित एंड कंपनी को यहाँ पर हमने 15 लाख रुपए से डेबिट किया है। और उसके बाद में हमारे पास जो हमारा TDS पेबल का जो लेजर है ऑन परचेज 194Q का, उसको अंदर हमने क्रेडिट कर दिया। हम इसको एक बार एंट्री को रिपीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पर लिखी आप देख रहे हो एडवांस में हमने किया है, जो बिल वाइज रेफरेंस नंबर है वो एडवांस किया है, और जो एडवांस का जो रेफरेंस नंबर हमें जो लिखना होता है वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है भी 0012, ये तो हमारा चेक का नंबर आ गया और एडवांस हमने लिख दिया ताकि हमें पता लगे भी एडवांस हमने पेमेंट करी हुई है। और उसके बाद में TDS को यहाँ पर हमने 194Q वाला जो हमने लेजर क्रिएट कर रखा है, असेसेबल वैल्यू हमने 15 लाख रुपए की रखी है क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं भी इसके जो क्राइटेरिया 50 लाख करोड़ वो 30 जून तक पूरा हो चुका है। तो अब इसके ऊपर 1500 रुपए का ये TDS यहाँ पर ऑटोमेटिक इस पेमेंट वाउचर में डिडक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें जो वैल्यू रहेगी टोटल बैंक से जो क्रेडिट होना पैसा वो 1498500 रुपए का होना है। हम चलते हैं परचेज वाउचर की तरफ, एंटर प्रेस करेंगे, सिंपल हम परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे, आइटम को सिलेक्ट किया, एक वैल्यू ली और इसका जो हमने एक्सेल में जो परचेज वैल्यू हमने ले रखी है 55,08,474 वाली, वही हमने यहाँ पर इस टैली में ली है 55,08,474 रुपये और 58 पैसा। एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर जो TDS का जो है हमें जो असेसेबल वैल्यू सिलेक्ट करनी है, अब वो वैल्यू हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको समझना होगा। अब इसके ऊपर हमें वही अमाउंट यहाँ पर असेसेबल सिलेक्ट करनी होगी जिसके ऊपर अभी TDS है जो डिफरेंस अमाउंट का कटना है, जो कि अभी हमने इस जनरल एंट्री में देखा था भी ये हमने इस अमाउंट के ऊपर अब जो डिफरेंस का जो TDS कटेगा, क्योंकि 55 लाख रुपये की टैक्सेबल वैल्यू 15 लाख रुपये माइनस कर दिया तो ये वैल्यू बच जाएगी 40,08,474 रुपये और 58 पैसा, और ये वैल्यू ही आपको असेसेबल वैल्यू में यहाँ पर आपको डालनी होगी, तभी ये TDS की कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही रहेगी। एंटर प्रेस करेंगे, CGST टैक्स, SGST टैक्स, और उसके बाद में हम 194Q को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास हो सकता है एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इस लेजर को दोबारा सेलेक्ट करूँगा मैं TDS पेबल ऑन परचेज का, तो अब यहाँ पर देख रहे हो इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक 4008 रुपये की आ रही है, हमें कोई मैनुअली यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी 4008 रुपये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल सही कैलकुलेशन हो रही है। अगर आपको हाथ से कोई वैल्यू यहाँ पर लिखनी पड़ रही है तो इसका मतलब आपके जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है TDS को लेके वो सही बनी हुई नहीं है। हम इसको यहाँ पर करेंगे नो और अगेंस्ट रेफरेंस। अब अगेंस्ट रेफरेंस में जो हमने एडवांस पेमेंट करी थी तो वो 15 लाख रुपए की वैल्यू हम यहाँ पर
उसको एडजस्ट करेंगे सबसे पहले, और डिफरेंस अमाउंट हम न्यू को करेंगे, और इस न्यू के अंदर हम वो इनवॉइस का नंबर यहाँ पर डाल देंगे और इसको हम करेंगे ओवरराइड। तो इस तरीके से हमने इसकी परचेज वाउचर की भी एंट्री कर दी है। और हम देखते हैं जाके 26Q जो हमारी GST TDS रिपोर्ट में हमें देखने को मिलेगा। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, ट्रेजरी रिपोर्ट पर जाएंगे, TDS रिपोर्ट पर जाएंगे और फॉर्म 26Q को ओपन करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख रहे हो जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 5508 रुपये का हुआ है, और हमने जो जनरल एंट्री में हमने जो बना के देखा हुआ है वो भी आप देख रहे हो टोटल 5508 रुपये ही TDS जो डिडक्ट होना है। अब 5508 रुपये चाहिए, आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो एडवांस पे कर दिया उसको और जो बाद में हमने परचेज इनवॉइस को हमने किया, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो भी आप देख रहे हो ये टोटल इसका समय जो 5508 रुपये और 47 पैसे आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो टेली सॉफ्टवेयर है इसने पूरा राउंड फिगर में ही 5508 रुपये की अमाउंट को डिडक्ट है जो कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपके ये जो दोनों क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो को इम्पोर्टेंट मानते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर देना, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।